राम भाई राम राम। मेरा नाम अरुण है और मैं गाजीपुर ज़िले से रेवतीपुर गांव से बोल रहा हूं। और ये जो हमारा प्लाट है करीब करीब 2 एकड़ में लगा हुआ है, केले का पौधा है G9 का, जो कि जैन कंपनी का है। और हमारा जो गांव है गंगा के काफ़ी करीब है, तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, जो कि इस साल आया बाढ़। और हमारा पौधा जो है 25 जुलाई का लगा हुआ है, जो कि करीब करीब 20 दिन तक बाढ़ के पानी में डूबा रहा, 20-22 दिन के आसपास। और उसके बाद यहाँ का कंडीशन ये है कि उसके बाद जब पानी निकला तो हमने इसके काफ़ी उपचार किया, उसके बाद जाके इसकी कंडीशन ये है जो कि मैंने आपको दिखाया रिव्यू में। तो कुछ पौधे स्वस्थ हैं, कुछ पौधों में प्रॉब्लम्स हैं जिसकी पत्तियाँ सही से नहीं निकल पा रही हैं। और इस पर हमने खाद और जो छिड़काव का प्रयोग किया है लगभग लगभग बराबर ही किया है जो कि शेड्यूल इसका चलता है। NPK 20-20 का प्रयोग किया हमने, उसके बाद डाई, यूरिया, पोटास सब बराबर बराबर मात्रा में इसको डाला है। और उसके बाद इसकी कंडीशन ये है। तो जो मैंने आपको दिखाया, जो पत्तियाँ सही से नहीं निकल पा रही हैं और पौधे का जो ग्रोथ है, और हमारे यहाँ ठंडी आने वाली है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसकी जो पत्तियाँ अच्छे से निकले, कुछ ऐसा उपचार बताइए, और पौधे का जो ग्रोथ है वो काफ़ी थोड़ा बेहतर हो जाए, आपसे ये जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भाई राम राम। अरुण भाई, बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे कुछ पूछा है। एक थोड़ा सा, अगर अगली बार हम संवाद करें तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा चेंज करें अपने पूछताछ के सेशन में। मुझे समझ में तो आ गया आपने क्या पूछा है। एक्चुअली मुझे क्या दिखना है, आपका मोबाइल चलना था खेत पे, पौधों पे, मिट्टी पे, प्लांट की पत्तियां कैसे है, तने की मोटाई कैसे है, पत्ते एक पत्ते से दूसरा पत्ता कितनी दूरी पर निकल रहा है, पानी देने का तरीका। कुछ आपने जो क्लिप चेंज की है, एडिटिंग करके दिखाया, वो समझ में तो आया है, लेकिन और बेहतर मैं समझ सकता था अगर आप कैमरा लेकर के, कैमरे के पीछे आप रहते और कैमरे के आगे केलों को रखते, खेत को रखते, तो शायद और मैं बेहतर देख करके गाइड कर सकता था। लेकिन अभी जो मैंने देखा है, मैं वो आपको सलाह देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मित्र जब वीडियो बनाए तो केले को फ्रंट में लेकर के मुझे अगर पूछेंगे तो मैं क्या है, केले में पत्ते, तना, कलर, यही देख करके गाइडलाइन दी जाती है। कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, नसें कैसे दिख रही है, उससे पता चलता है किसकी डेफिशिएंसी है, क्या पौधा अपटेक नहीं कर रहा है, पानी देने का तरीका, सारा कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ मुझे समझ में आया है, अगली बार आप सुधार कर लेंगे, एकदम समझदार प्राणी है। और अरुण जी, मैं जो आपकी फील्ड मुझे दिखी, जैन कंपनी पौधा अच्छा बनाती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम पानी देने का तरीका बदलें, यूपी में मुझे सबसे कुछ कमी दिख रही है, वो पानी देने का तरीका गलत है। आप लोग क्या कर रहे हैं, 4-5 पट्टों पौधों की लाइनों में एक पट्टा बना करके चौड़ा पानी फैला करके दे रहे हैं, जैसे पूरा खेत एक साथ पानी ले ले, वो गलत तरीका है। एक्चुअली किसी भी पौधे को पानी, हवा और भोजन, तीनों चीज़ें उसकी जड़ों की कक्षा में बराबर मात्रा में चाहिए। 33% हवा, 33% पानी, 33% भोजन उसकी जगह में होगा जड़ों के पास, तो फटफट फटफट वो अपटेक करेगा। हम लोग यूपी में क्या कर रहे हैं, पूरे खेत को एक साथ भिगो रहे हैं, तो पूरा खेत कीचड़ कीचड़ कीचड़। जिस दिन पानी लगाया उस दिन कीचड़, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन ऐसा लगेगा थोड़ा कम हो रहा है। और अभी तो ठंड आ रही है, आज तारीख है 5/12/2019, मतलब 8 दिन तक कीचड़ कीचड़। अब 8 दिन तक उस पौधे ने केवल पानी पीना चाहिए। अरुण भाई, एक हम समझे कि अगर मैं आपको कल से 8 दिन तक केवल पानी पिलाऊं, 9वें दिन भोजन डाल दूं बहुत सारा, आज ही खा ले एक दिन, फिर 10वें 11वें दिन फिर 8 दिन पानी पिलाऊं, वो भोजन उसने कितना खाया मुझे पता नहीं, तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? शायद आपका जवाब आएगा नहीं। ऐसे ही पौधे भी हैं, जीवंत हैं वो, पानी देने का तरीका बदले। फर्टिगेशन कैसा दे रहे हैं वो आप थोड़ा अगर दिखाते खेत में तो समझ में आता। आपके पीछे जो पौधा है
उसके नीचे मुझे व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा है, शायद आप पौधों के जड़ों में फर्टिगेशन डाल रहे हैं। पक्का मुझे समझ में नहीं आया, जो वीडियो में नीचे दिख रहा है आपके जस्ट लेफ्ट साइड, आपने जो कमर पे हाथ रखा है उसके नीचे एक पौधा है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, शायद वो फर्टिलाइज़र होगा। मैं एक लिंक शेयर करता हूँ आपको, सुकराज भाई की है, बहुत सही व्यक्ति है, उन्होंने मुझे फॉलो किया है। पानी देने का तरीका उनका कैसा है वो वीडियो देखो, उसमें समझ कर एक नाली में पानी दो, एक को छोड़ दो, फिर तीसरी में दो, चौथी को छोड़ दो, पाँचवीं में दो, छठी को छोड़ दो। जब वापस पानी मंगेगा तो फिर दूसरी नाली में पानी देंगे, तीसरी को छोड़ देंगे, फिर चौथी में देंगे, पांचवी को छोड़ देंगे। पहले पहली में दिया था, दूसरी को छोड़ा था, बाद में दूसरी में देंगे, पहली को छोड़ेंगे। और हर बार इरिगेशन में हर बार फर्टिगेशन करेंगे। मुझे पता नहीं आपका डोज का शेड्यूल कैसा है, आपके डॉक्टर कौन है, आपकी फील्ड को कौन गाइड कर रहा है। हाँ, वो जो भी गाइड कर रहे हैं, जो भी शेड्यूल हो, उसको आप एक महीने में बांटो। आपका जो भी बजट हो उसको आप 30 दिन में बांटो। 30 दिन में आपको खेत में कितना इरिगेशन करना है वो आपकी मिट्टी बताएगी कि 3 बार इरिगेशन होगा, 10 दिन में एक बार, या 7 दिन में एक बार, या 12 दिन में एक बार। कम से कम 7 दिन में एक बार होगा, मैक्सिमम 12 दिन में एक बार होगा, इसके अंदर तो होगा ही होगा। एटलीस्ट 3 डोज तो बनेंगे या 4 बनेंगे। तो 30 दिन का एक शेड्यूल, आपका बजट लॉक करो, उस डोज को 4 भागों में बांटो, और जो भी पानी दे रहे हो पौधे से 10 इंच दूर चीरा लगा करके पौधे को जिस तरफ पानी दो उस तरफ अंदर डाल दो और पानी दे दो। अगली बार दूसरी तरफ पानी दोगे तो दूसरी तरफ डोज दे दो। फिर से मेरी बात सुनना, मैं खाद का डोज ज़्यादा बतला नहीं रहा हूँ। जो आप खाद दे रहे हो, आपका जो बजट हो, उसको जितने बार पानी देना है उतने भागों में बांटना है। सामने ठंड आएगी, उसका ये अच्छा बचाव है। पानी देने का तरीका बदलोगे उससे प्रकोशन मिलेगा। ताज़ा पानी हर 7 दिन में आ जाएगा जड़ों में। आप क्या करोगे, पूरे में पानी दोगे तो 15-20 दिन में ताज़ा पानी आएगा, पौधा डोरमेंसी में जाएगा। दूसरा, स्प्रे शेड्यूल कंटिन्यू रखो ताकि नीचे से पौधा नहीं उठाए तो ऊपर से पत्तों से कुछ ना कुछ ले ले। तीसरा, पाल बनाते समय पानी देने की अगर आपको समझ में आए सुकराज भाई का तरीका, एक पट्टा हर एक नाली में, एक एक पट्टा, तो जड़ें मत तोड़ना ज़्यादा, हल्की हल्की ऊपर से मिट्टी लेकर के पौधे से सीधी पाल बना देना, दीवाल बना देना। सामने का समय बहुत ख़राब है, ठंड आएगी, जड़ें तोड़ोगे पौधा रुक जाएगा। ऐसा ना हो कि मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ उसका साइड इफ़ेक्ट आ जाए। अगर आपने खेत में ट्रैक्टर चला दिया, जड़ें सब तोड़ दी, मिट्टी खींच के पाल बना दी, तो पौधा जल्दी डोरमेंसी में जाएगा, जड़ें टूट जाएगी, पौधा भोजन लेगा नहीं। हमें पौधे की जड़ों को बिना छेड़े मिट्टी की पाल कैसे बनाए और एक पट्टे में पानी दूसरे पट्टे में पानी न जाए, इसकी व्यवस्था कैसे करें, वो आप खेत में हो, आपको समझना है। अरुण भाई, अच्छा लगा आपने मेरे से गाइडलाइन ली। रात में धुआं करो, पाले से बचेगा, क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है अरुण भाई, थैंक यू।